खबर योगी आदित्यनाथ के बजट की। योगी सरकार के चौथे बजट को पेश कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा बजट है, ऐतिहासिक। पहली बार उत्तर प्रदेश का बजट 5 लाख करोड़ को पार कर गया। इस बार के बजट में योगी सरकार ने अयोध्या और काशी विश्वनाथ को अहमियत दी। तलाकशुदा महिलाओं के लिए योगी सरकार ने पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। मेट्रोज भी कई शहरों में देने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के अभियान को आगे बढ़ा सके, इससे हम लोगों ने मार्च 17 में आने के बाद उत्तर प्रदेश के विकास का जो विजन तैयार किया था, पहला बजट जिसमें हमने प्रदेश के किसानों को ध्यान में रखकर के कार्य प्रारंभ किया था, प्रदेश के किसानों को हमने इस बजट को समर्पित किया था। युवाओं के लिए ऐसे हम पाठ्यक्रम लेकर के आ रहे हैं जहां पर उसके सामने बेहतर भविष्य के सपने साकार होते हुए उसे दिखाई दे सकें, और इससे 7 नए विश्वविद्यालय प्रदेश में उच्च शिक्षा के कायाकल्प के दृष्टि से और नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग को सुधारने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन ये सभी करेंगे। हर युवा किसी उद्यम से जुड़ेगा, 2500 रुपये प्रति माह सरकार उसे वहां पर सहयोग करने के लिए उस युवा को, जब तक कि वह अपनी पूरी अप्रेंटिस की कार्रवाई को पूरा नहीं कर देता है। एक तरफ इस योजना को हमने फोकस किया है, दूसरी तरफ हर जनपद में युवाओं के स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।